भारत में अभिव्यक्त की आज़ादी पर मंडराए खतरे के बादल। पूरी दुनिया में भारत की छवि हो रही धूमिल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पर पहुंचा। अब कोई नहीं उठा पाएगा अपने हक की आवाज़। एक वैश्विक मीडिया निगरानीकर्ता द्वारा मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में जो सामने आया है उसे जानने के बाद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्या हकीकत में हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। आपको बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल भारत 142वें स्थान पर था। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल को छोड़कर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की रैंकिंग में भी गिरावट आई है, जिसमें पाकिस्तान 157वें, श्रीलंका 146वें, बांग्लादेश 162वें और म्यांमार 176वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह रैंकिंग कुल 180 देशों की है। प्रेस स्वतंत्रता में भारत अपने ही पड़ोसी देश नेपाल से भी पीछे किसका। आपको बता दें, RSF रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना है। RSF 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार नेपाल वैश्विक रैंकिंग में 76वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल उसे 106वें, पाकिस्तान को 145वें, श्रीलंका को 147वें, बांग्लादेश को 152वें और म्यांमार को 140वें स्थान पर रखा गया था। जबकि इस साल नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे, एस्टोनिया चौथे और फिनलैंड 5वें स्थान पर है। उत्तर कोरिया 180 देशों और क्षेत्रों की सूची में सबसे नीचे है। वहीं अगर बात की जाए रूस की, तो रूस इस रिपोर्ट में 155वें स्थान पर रखा गया है, जो कि पिछले साल 150वें स्थान पर था। इस संगठन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर और 9 अन्य मानव अधिकार संगठन भारतीय अधिकारियों से पत्रकारों और ऑनलाइन आलोचकों को उनके काम के लिए निशाना बनाना बंद करने का आग्रह करते हैं। बयान में आगे कहा गया है कि विशेष रूप से आतंकवाद और देशद्रोह कानूनों के तहत उन पर मुकदमा चलाना बंद कर देना चाहिए। रिपोर्ट्स सेंस फ्रंटियर्स RSF ने कहा कि भारतीय अधिकारियों को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और आलोचनात्मक रिपोर्ट के लिए राजनीति से प्रेरित आरोपों में हिरासत में लिए गए किसी भी पत्रकार को रिहा कर देना चाहिए और उन्हें निशाना बनाना तथा स्वतंत्र मीडिया का गला घोंटना बंद करना चाहिए। अधिकारियों द्वारा पत्रकारों को निशाना बनाने के साथ साथ असहमति पर व्यापक कार्रवाई ने हिंदू राष्ट्रवादियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भारत सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को धमकाने, परेशान करने और दुर्व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। RSF 2022 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के 3 प्रमुख पत्रकार संगठनों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि नौकरी की असुरक्षा बढ़ी है, वहीं प्रेस की स्वतंत्रता पर हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है। भारत ने इस संबंध में रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इंडियन वुमेन्स प्रेस क्लब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने कहा कि पत्रकारों को मामूली कारणों से कठोर कानूनों के तहत कैद किया गया है और कुछ मौकों पर सोशल मीडिया मंच पर मौजूद कानून के स्वयंभू संरचकों से उन्हें जान को खतरे का सामना करना पड़ा है। RSF की यह रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार क्या पत्रकारों के प्रति रवैया को बदलेगी, यह सोचने वाली बात है और आगे देखना बाकी है। क्या ऐसे ही पत्रकारों की स्वतंत्रता का हनन होता रहेगा? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज़, दिल्ली।